हेलो नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं जो आपके सामने रेसिपी लाई हूँ वो चिकन चने हैं। अभी मैं आपके सामने उसके लिए ये मैंने लिया है आधा किलो किलो तेल, आधा किलो तेल लिया है। अब ये थोड़ा सा गर्म हो जाए, ये देखें गर्म हो जाए, मैं इसके अंदर प्याज डालने लगे। प्याज डालना भी जब तक ये हल्का ब्राउन होता है ना, मैं उसको भूनूंगी। जब हल्का ब्राउन हो जाएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें नाज़रीन, अभी ये प्याज जो है हल्का ब्राउन हो गया है। अब मैं इसके अंदर ये डेढ़ किलो गोश्त डालने लगा हूँ। इसको अब मैं 10 मिनट तक पकाऊंगी ताकि ये हल्का गोश्त जो है अच्छी तरह भुन जाए, हल्का ब्राउन हो जाए। गोश्त जो है ये अच्छी तरह भुन गया, फ्राई हो गया। अब मैं इसके अंदर लहसुन डालने लगी, ये लहसुन और ये सब्ज मिर्च के बाद 5 टीस्पून मैंने सूरज मिर्च के डाले और 1.5 टीस्पून मैंने हल्दी डाली है। एक दो तीन टीस्पून मैंने नमक डाल दिया, दो गरम मसाला डाला, 2 टीस्पून गरम मसाला डाल दिया और काली मिर्च 1 चम्मच डाल दिया। अब मैंने इसके अंदर ये 3 पाव टमाटर डाल दिए, अब मैं इसको भूनूंगी थोड़ी देर तक। ये देखें नाज़रीन, अब देखें गोश्त भी गल गया और मसाला भुन गया। ये देखें इसमें घी भी छोड़ दिया सारा। अभी ये मैंने 2 किलो सफ़ेद चने उबाल के रखे हुए थे, ये 2 किलो चने उबाल के रखे थे, इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमान डाल, दो किलो मैंने चने डाल दिए। इसको अब थोड़ी देर भूनूंगी, 4 से 5 मिनट भूनूंगी। मसाला तो भूनोगे पहले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें नाज़रीन, अभी चने भून गए और इन्होंने ये घी भी छोड़ दिया। अब मैं इसके अंदर ये जिस पानी में मैंने चने उबाले थे थोड़ा बच गया था, वही मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ। ये हो गया,
अभी मैं 5 मिनट और इसके ऊपर ढक्कन दे के इसको अच्छी तरह पकाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें नजरे, अब चने तैयार हो गए। ये देखें कितने अच्छे ये तैयार हुए, नगी भी छोड़ दिया है। रियाज इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बना कर देखिए, सुबह हमारे घर में नियाज है 22-27 रजब की। इसके ऊपर मैंने धनिया डाल दिया, तो इसलिए मैं ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें बना रही हूँ। तो 22 रजब है, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के कुंडे कुन्याज हम दे रहे हैं, और ये चीज़ें सारी मैं इसलिए बना रही हूँ। और मैंने कहा आपको भी दिखा दूँ, देखें कितने अच्छे तैयार हुए हैं। आप भी बनाएं और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। हम और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते हैं, लाइक। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।